हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसकी बगल की घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। ऐसे आपको हमारे YouTube चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने साल 2022 के मैट्रिक एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने बताया है कि क्लास 9वीं के वो स्टूडेंट जो अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने फिर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने आगे कहा कि नियमित कोटे के स्टूडेंट को जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 220 रुपए का शुल्क चुकाना होगा, वहीं स्वतंत्र कोटे के छात्र को रजिस्ट्रेशन के लिए 320 रुपए जमा करना पड़ेगा। बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है। छात्र 9 जुलाई यानी आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही जो है इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि जो छात्र अगले वर्ष इंटरमीडिएट का एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन क्लास 12th के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, ऐसे छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 370 और स्वतंत्र छात्रों को 670 रुपए जमा करने होंगे।